स्विमिंग कीजिए और आप फील कीजिए। आज का सीन ऐसा है कि मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, जगह का नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा, वहाँ पे पहुँच के बताऊँगा। बने रहिए इस वीडियो में, चलिए आप लोगों के साथ एक नया जगह को एक्सप्लोर करते हैं वर्चुअली, तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं चलता हूँ अभी अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे और मैं अपने पेंथर पे बैठता हूँ और आप लोगों को ले चलता हूँ उस जगह पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त शुभ्रजीत, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में फ़ोटो देखा ही है, मैं इस जगह पे आज जा रहा हूँ, उसका नाम मैं वहाँ पे जाके ही बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप डिसलाइक कर दीजिए। आज धूप थोड़ा कम है और क्लाउडी डे है तो गर्मी भी कम लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा छोटा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता अच्छा है। और ये जो जगह है, मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा नेचुरल ब्यूटी है, तो जाते हैं और देखते हैं क्या है इस जगह पे। सुबह निकलने वाला था 7 बजे बट अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुका है, मैं हाफ वे आ चुका हूँ, मैं 10 बजे घर से निकला था। तो सुबह सुबह वोकअप करना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि मैं रात को 3 बजे सोया, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे एडिटिंग करना होता है, बाय प्रोफेशन मैं एक फ़ोटोग्राफर कम सिनेमाटोग्राफर हूँ, तो रात रात भर जग जग के मैं एडिटिंग करता हूँ, सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं निकलता हूँ और नए नए जगह को एक्सप्लोर करता हूँ ताकि आप लोग इस जगह पर जा पाए और इस जगह का जो नेचुरल ब्यूटी है या जो भी मज़ा है वो उठा पाए। और दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं अपना 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाला हूं और बहुत ही जल्द मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, तो होपफुली नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को मेरे चैनल पे ऐड दिखने को मिलेगा क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो ये जो अचीवमेंट है ये सब आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के प्यार के लिए ही है, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और मुझे ये जो यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को पूरा कर पाया मैं। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरे को सपोर्ट करते रहिए और मुझे जितना प्यार आज तक आप लोगों ने दिया है ऐसे ही प्यार देते रहिए। होपफुली और भी ग्रो कर पाऊँगा मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से। नेक्स्ट मंथ को मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक दार्जिलिंग टूर करूँ, इसका प्लानिंग चल रहा है। आप लोग ट्यून रहिए मेरे चैनल पे, उसका भी ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलने वाला है बहुत जल्दी। एक टी गार्डन वाला रास्ता है तो इसलिए थोड़ा कच्चा रास्ता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक आराम से जा सकता है, इवन गाड़ी भी जाता है। मेरे पहले थोड़े दूर पे एक ऑटो जा रहा था, ऑटो मीन्स ऑटो रिक्शा, और साइड का नज़ारा जो है वो बहुत ही सुंदर नज़ारा है क्योंकि यहाँ पे टी गार्डन है और ये टी गार्डन बहुत ही मेंटेन किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। शायद से कैमरे में नहीं आ रहा होगा, अरे यार ये कहाँ से इतना। तो कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट होता है जो मेरे आँखों में घुस गया था तो इसलिए मुझे थोड़ा कट करना पड़ा, और ये सब टी गार्डन में बहुत ही ज़्यादा होता है। दिए बाइक जा बैक, बाइक जा बैक। ये यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, टी गार्डन का लैंग्वेज, हम लोगों को हिंदी में बोलने से समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने उनके लैंग्वेज में ही बात किया है।
छोटा सा रास्ता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम जा सकते हैं। और इस लोकेशन पे हम पहुंच गए। बाइक तो पूरा नीचे तक जाता है, ले जाए क्या? ये जो सामने एक बच्चा जा रहा है, ये बोल रहा है कि बाइक जाता है उस जगह पे, तो मैं पूरा बाइक लेके ही जा रहा हूँ। आ गया मैं इस लोकेशन पे, अच्छा लोकेशन है, थोड़ा पीस है, शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस जगह का नाम आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये जगह का नाम है जंगली चौड़ा और ये है जयपुर से बड़तल बागान के बीच में। तो एक लोकेशन पे आके अगर मैं आप लोगों के साथ एक ड्रोन व्यू शेयर नहीं करता हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है। तो आप लोगों के लिए एक ड्रोन व्यू तो बनता ही है। 1, 2, 3 ड्रोन व्यू को एंजॉय कीजिए। तो ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और ये मैंने यहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया है। और ये जो बच्चे लोग देख रहे हैं, ये बच्चे लोग बहुत ही एंजॉयबल है, बहुत ही फ्रेंडली है, और इन्होंने मेरा ब्लॉग में बहुत ही अच्छा अच्छा टेक्स्ट दिया है। ये लोग नहा रहे थे और मैंने इनका टेक्स्ट लिया, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इस भरी गर्मी में अगर आपको चिल मारना है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आके आप स्विमिंग कीजिए और आप चिल कीजिए। बहुत ही अच्छा सा वाइब यहाँ पे है नहाने का और स्विमिंग का, और बहुत ही शांत सा वातावरण है। यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है ये भी बहुत सुंदर है और बहुत ही पीस है यहाँ पे। Wait a minute. Oh my God! तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वीकेंड में यहाँ पे आइए और अपना टाइम स्पेंड कीजिए और माइंड को फ्रेश कीजिए। अगर इस जगह पे आपको आना है तो आप आ सकते हैं। ये जगह जो है जयपुर और बड़तल के बीच में पड़ता है, बड़तल टी एस्टेट और जयपुर के बीच में। आप जयपुर होके भी आ सकते हैं और बड़तल होके भी आ सकते हैं। आपको सदरगढ़ क्रॉस करके फिर पहला पुल आना पड़ेगा, पहला पुल से टुवर्ड्स जयपुर या बड़तल, दोनों साइड से भी आप आ सकते हैं। अगर आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक में क्लिक कीजिए और मेरे को फॉलो कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।